तो आज हम लोग क्लास 11 पाठ त्रिकोणमितीय फलन की विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है, इसमें हमको देखिए ये है, इसके बराबर हमको जीरो सिद्ध करना है, ये प्राप्त करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम बायां पक्ष ले लेंगे, तो बायां पक्ष बराबर, ठीक है ना, तो बायां पक्ष में ये पूरा हो जाएगा, इसको हल करेंगे और हमें जीरो लाना है। तो देखिए बायां पक्ष में है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर है टू कॉस ए कॉस बी, ठीक ना, तो यदि हम फॉर्मूला लगा लें यहाँ पर, देखिए टू कॉस ए या एक्स और कॉस वाई, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ लगाते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये रहा एक्स और ये रहा वाई बटे, ठीक ना, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13, फिर लिखेंगे, देखिए लिखा है कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13 प्लस, इसको पूरा लिख लेंगे यहाँ पर, तो इसको नीचे लिख देंगे, ठीक ना, ये सूत्र का प्रयोग हुआ यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ लिख रहे हैं कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, ठीक ना, इसको जैसे था वैसे लिख लिया इसको। अब इसको हल करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, कॉस तो जाएगा 9 और 1 10 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस ये जाएगा माइनस 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 और कॉस 5 पाई बाई 13, ठीक ना। तो देखिए ये हमको मालूम है कॉस माइनस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाता है, ठीक ना, तो ये माइनस हम ये हटा सकते हैं, तो इस प्रकार कॉस 8 पाई बाई 13 प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे, अब देखिए इसमें हम इसको ले लेंगे 10 और ये 3 पाई 8 और 5 पाई, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, कॉस 10 पाई बटे 13 प्लस कॉस 3 पाई बटे 13 प्लस कॉस 8 पाई बटे 13 प्लस कॉस 5 पाई बटे 13। तो देखिए हम इन दोनों के एक साथ ले लेंगे और इनको एक साथ, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस कॉस वाई बराबर टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे ये 2 होता है, ठीक ना, तो इसमें हम रख लेंगे, तो देखिए हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई 10 पाई बटे 13 प्लस 3 पाई बटे 13 बटे 2 और कॉस 10 पाई बटे 13 माइनस 3 पाई बटे 13 बटे 2। इसी प्रकार इसमें भी लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 8 पाई बटे 13 प्लस 5 पाई बटे 13 बटे 2 और कॉस 8 पाई बटे 13 माइनस 5 पाई बटे 13 और बटे ये 2 आ गया, ठीक ना, तो इसको हल कर ले देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 कॉस देखिए 13 10 3 13 और 13 पाई बटे 13 तो 13 13 कैंसिल, तो हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7 7 पाई बटे 13 और 13 और 2 ये रहा तो 13 दूनी 26 तो होगा 7 पाई बटे 26, ठीक ना, 13 दूनी 26 प्लस 2 कॉस
आठ पाँच तेरह, तेरह बटे तेरह कट गया तो पाई बाई टू बचा, तो पाई बाई टू कॉस ये आठ में से पाँच गया तीन, तीन पाई बाई तेरह बटे दो, तो दो गुणा जगह तेरह में, तो ये जगह थ्री पाई बाई छब्बीस, ठीक ना। अब देखिए कॉस पाई बाई टू का मान जीरो होता है, तो अगर यहाँ पर ये जीरो प्राप्त हो गया तो किसी भी संख्या के संग लिखने से ये जीरो कर देगा, ठीक ना। जीरो गुणा इसमें या इसमें करो, आप जीरो ही आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा कॉस थ्री पाई बाई सिक्सटीन, इस प्रकार ये जीरो प्लस जीरो या जीरो प्राप्त हो गया, जो हमें दाएं पक्ष प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर एक हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर दो देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर दो ये है, तो इसमें देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं या कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लगा लेते हैं, तो देखिए साइन एक्स, यहाँ हम लिख देते हैं क्या सूत्र होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर टू साइन एक्स प्लस वाई बटे दो कॉस एक्स माइनस वाई बटे दो, ये सूत्र होता है। फिर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का सूत्र देख लेते हैं, माइनस कॉस वाई इसका होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बटे दो साइन एक्स माइनस वाई बटे दो, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ लगा लेंगे, तो देखिए ये लिखना जरूरी होता है कौन सा सूत्र हमने लगाया, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा टू साइन, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ ही सही रहेगा, टू साइन एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ पर थ्री एक्स प्लस एक्स बटे दो, फिर कॉस एक्स माइनस वाई बटे ये दो, फिर ये साइन एक्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ साइन एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है ना, ये साइन एक्स लिखा हुआ है प्लस इसमें लगाएंगे, देखिए माइनस है ये माइनस टू है, देखिए माइनस टू आ गया और साइन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बटे दो, फिर साइन एक्स माइनस वाई बटे दो, और ये कॉस एक्स लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये बायां पक्ष था, बायां पक्ष को हम हल कर रहे हैं, ठीक ना, ये बायां पक्ष है। अब इसको हल करेंगे, देखिए कितना आएगा, टू साइन, देखिए तीन तीन प्लस एक चार, चार एक्स, दो कटेगा तो दो एक्स आ जाएगा, ये तीन में से एक गया दो और दो दो कैंसिल होगा तो ये जाएगा कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स प्लस। अब देखिए माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा पूरा, माइनस टू साइन तीन और एक चार, चार का आधा दो, टू एक्स साइन एक्स और ये कॉस एक्स। तो इस प्रकार देखिए यहाँ टू टू साइन टू एक्स साइन टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स साइन एक्स, पूरा एक बराबर बराबर आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में, इस प्रकार ये शून्य हो गया, तो ये हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो प्रश्न नंबर दो हल हो गया। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं, देखिए इस प्रश्न नंबर तीन में हम इसके बायां पक्ष को यहाँ लिख लेते हैं, बायां पक्ष ये होता है देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के घात दो प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का घात दो, ठीक ना। तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओपन करके इसके आगे हल कर लेंगे, या तो आप कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का सूत्र लगा लीजिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र लगा लीजिए, तब भी इसे तुरंत आ जाएगा। तो देखिए हम दोनों विधि लगा देते हैं, पहले हम इसको ना ओपन करके देखते हैं इसमें, ठीक ना। तो देखिए ये हो जाएगा क्या सूत्र होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो यही हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस, तो यहाँ से यहाँ तक ओपन कर लिया। इसको ओपन करेंगे तो लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना, टू एक्स वाई हो गया। इसमें हम इनको देखिए साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में प्लस इसको और इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिए इन दोनों में टू कॉमन है तो टू कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर देखिए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो देखिए ये प्राप्त हो गया। तो इसका मान देखिए पहली सब समीका है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक। इसी प्रकार ये यहाँ एक्स थीटा है यहाँ वाई एंगल है। यहाँ पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हमको सूत्र प्राप्त हो जाता है कॉस एक्स प्लस वाई का, ठीक ना, ये माइनस होता है तो यहाँ प्लस में आता है, ठीक ना। तो एक और एक दो प्लस दो कॉस एक्स प्लस वाई। तो अब ये इसमें से टू कॉमन ले लेंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक ना। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए हमने पहले सूत्र बताया है कॉस टू एक्स बराबर, ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इसको हम इधर भेजेंगे तो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यदि ये टू एक्स है तो यहाँ पर x आता है, ठीक ना, यदि ये 2x है तो ये x आता है। तो यदि यहाँ पर अगर हमें इसका इसका मतलब ये आधा आता है, ठीक ना। तो यदि मैं यहाँ पर इसको अगर केवल मैं x लिखूँ, देखिए अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बटे दो हो जाएगा, है ना, इसका यहाँ पर आधा होता है। तो यहाँ x है तो ये x बटे दो हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि यहाँ पर x कर दें हम तो ये x बटे दो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। अब हमको अगर x के स्थान पर x प्लस टू लिखें तो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दो गुणे, ये हो गया दो कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बटे ये दो हो जाएगा। तो ये जगह देखिए दो दुनी चार कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे दो, ठीक ना। तो देखिए हमारा ये हल आ गया तो हम लिख सकते हैं ये दायां पक्ष, ठीक ना। तो इस प्रकार ये पहले मेथड से हमने ज्ञात कर लिया। देखिए हम इसी को एक और मेथड से करके बताते हैं। यहाँ अब देखिए दूसरा तरीका है, सेकेंड मैथड लगा रहे हैं, ठीक ना। तो कोई भी मैथड लगाइए आंसर आएगा। तो cos x प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टू cos x प्लस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू, ठीक ना, और ये होल स्क्वायर लगा दिया है ना, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है टू cos x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू, ठीक ना, का ये होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे देखिए स्क्वायर जब लगाएंगे तो जगह टू का चार हो गया है ना, दो का चार, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू हो गया, ये स्क्वायर लग गया प्लस दो दुनी चार कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई
टू हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, फोर फोर दोनों तरफ है, यहाँ फोर लिख लिया, कॉस स्क्वायर ये कॉमन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, ये कॉमन है। अब देखिए क्या बच गया यहाँ पर, तो ये बच गया, तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस, ये बच गया तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक ना। तो ये हो जाए, देखिए देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जो भी कोण होता है अगर सेम हो तो पहली सर्वसमिका से होती है। देखिए सर पहला सर्वसमिका होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स बराबर एक, ठीक ना। इस सर्वसमिका से देखिए यहाँ पर क्या होता है, थीटा सेम होना चाहिए, है ना, एंगल सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान एक हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू गुणे एक, तो ये अपना देखिए दायां पक्ष ही आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे दो, ठीक ना। तो ये सेम आ गया, तो ये दूसरा मेथड से भी हमने देख लिया। अब प्रश्न नंबर चार देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चार है, तो इसके हम बायां पक्ष को लिख लेते हैं, बायां पक्ष, और इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई इसमें भी होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे। तो देखिए लिखा है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। अब इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा लेंगे, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो यहाँ लगाएंगे, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना। तो हम इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, एक कोष्टक में लिख लेते हैं। और यहाँ पर दो कॉमन है तो ठीक ना, तो दोनों में माइनस है तो लिखेंगे माइनस टू बाहर ले लेंगे माइनस टू, तो क्या प्राप्त हो गया अंदर कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक ना। तो ये हो जाएगा देखिए वन होता है, ये होता है वन माइनस टू, और देखिए कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाता है, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, तो एक और एक दो माइनस दो कॉस एक्स माइनस वाई, तो इसमें से टू कॉमन निकाल लेंगे तो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक ना। तो अब देखिए यही सूत्र लगाएंगे कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पर टू एक्स है तो वहाँ एक्स होगा, अगर यहाँ पर एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम इसको इधर पक्षांतर करते हैं, इसको उधर पक्षांतर करते हैं, तो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बटे दो बराबर वन माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक ना। अब देखिए कॉस यहाँ पे एक्स है तो एक्स बटे दो है, यहाँ एक्स माइनस वाई अगर हम लिख दें तो यहाँ भी एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख देते हैं टू और दो गुणे साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई टू, तो जाएगा देखिए ये स्क्वायर भी है तो दो दुनी चार साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू, तो ये हो गया दायां पक्ष। तो इस प्रकार लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो ये हो गया प्रश्न नंबर चार भी सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चार है ये,
तो चार का हम बाएं पक्ष लिख लेते हैं पहले। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर पाँच है ये, जिसका ये बायां पक्ष है, तो इसको हम पहले हल करेंगे और इतना हम लेकर आएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बायां पक्ष बराबर साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवन एक्स। अब देखिए इसमें जोड़ा लेंगे हम लोग, तो देखिए अगर हम सात और ए इसको 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 अगर ले लें तो सात और एक आठ और बटे दो तो चार एक्स आ जाएगा, है ना। चार एक्स में देखिए लगभग आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह पाँच तीन आठ, आठ का आधा चार, तो मतलब हम इनको इनको एक साथ लिख लेते हैं और इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार लिखें साइन एक्स प्लस साइन सेवन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स, ठीक ना। रीअरेंजमेंट करा है बस, इधर उधर लिखा है। अब इसमें साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए साइन एक्स साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेते हैं साइन एक्स साइन वाई बराबर ये होता है टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक ना। और तो इनको पहले हम ले लेते हैं और फिर इनको ले लेंगे। तो इसमें हो जाएगा देखिए टू साइन एक्स प्लस सेवन एक्स बटे दो कॉस एक्स माइनस सेवन एक्स बटे दो प्लस टू साइन थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स बटे दो और कॉस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स बटे दो, ठीक ना। इसको देखिए हल कर लेते हैं अब। तो जगह टू साइन सात और एक आठ, आठ का आधा तो चार एक्स कॉस, देखिए ये जगह माइनस सिक्स और दो से कटेगा तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा प्लस टू साइन, देखिए पाँच तीन आठ, आठ का आधा चार, ठीक ना। फिर ये हो जाएगा कॉस, तीन में से पाँच गया मतलब माइनस टू, माइनस टू और फिर दो कटेगा तो माइनस एक्स बचेगा। तो इस प्रकार देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक ना। तो एक बार हम लिख देते हैं पूरा साइन फोर एक्स कॉस थ्री एक्स, ठीक ना। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, ये माइनस नहीं रहता है। फिर टू साइन फोर एक्स और कॉस एक्स। तो इस प्रकार देखिए यहाँ टू साइन फोर एक्स दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे टू साइन फोर एक्स कॉमन, तो यहाँ बचा कॉस थ्री एक्स प्लस और ये कॉस एक्स बचा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फिर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है टू साइन सॉरी टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे दो और कॉस एक्स माइनस वाई बटे दो। तो ये देखिए हो जाएगा दो दुनी चार साइन फोर एक्स, तीन और एक चार, चार का आधा दो, तो जाएगा कॉस टू एक्स और जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए फोर पहले कॉस एक्स है, तो देखिए इस कॉस एक्स को पहले यहाँ लिख देते हैं कॉस एक्स, फिर कॉस टू एक्स वाला है तो कॉस टू एक्स लिखते हैं, फिर साइन फोर एक्स। तो इस प्रकार ये दायां पक्ष आ गया, तो हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर छः देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर छः में है, देखिए ये बायां पक्ष हमको हल करना है और इसको दायां पक्ष में देखिए टेन सिक्स एक्स लाना है। इसमें देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इनका देखिए जोड़ा खुद ही बना के दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम सीधा साथ ब्रैकेट में है तो इसको साइन एक्स प्लस साइन वाई लगाएंगे यहाँ पर, फिर यही साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला साइन एक्स
प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 sin x + y/2 cos x माइनस वाई बटे दो। और साइन का क्या हो जाता है, कॉस का, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 cos x + y/2 cos x माइनस वाई बाई दो। तो ये दोनों सूत्र ही लगाना है हमको, तो देखिए हम सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये हो जाएगा 2 sin x है ना, 7x + 5x/2 और फिर cos 7x + 5x/2 ठीक ना। और इसके लिए फिर ही लगाएंगे प्लस 2 sin 9x + 3x/2 और cos लगेगा फिर cos 9x - 3x/2 बटे में देखिए फिर cos ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos 7x + 5x/2 cos 7x - 5x/2 प्लस 2 cos 9x + 3x/2 cos 9x - 3x/2। तो देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 sin, देखिए 7 5 12 12 का 2 से भाग करेंगे तो 6x आ जाएगा और ये 7 5 12 12 का 2 तो ये cos 6x आ जाएगा ठीक है। सॉरी माइनस में है यहाँ पर, है ना, माइनस होता है यहाँ पर, तो माइनस में करेंगे तो 7 में से 5 गया 2 2 से भाग करेंगे तो ये x आ गया प्लस 2 sin 9 10 11 12 12 का आधा 6x और हो जाएगा 9 में 3 गया तो 6 6 का तो 3 आ जाएगा cos 3x। इस प्रकार हो गया। अब देखिए बटे में, और बटे में भी यही है cos 7 5 12 12 का 2 6x और 7 में 5 गया 2 2 का आधा करेंगे तो x प्लस 2 cos 9 10 11 12 12 का 6x और 9 में 3 गया तो 6 और 2 3 6 तो cos 3x। देखिए इसमें क्या कॉमन है निकाल लेते हैं, 2 sin 6x कॉमन है यहाँ पर तो लिखेंगे 2 sin 6x तो क्या बचेगा यहाँ cos x + cos 3x/2 देखिए क्या कॉमन है cos 6x ठीक है। तो 2 cos 6x तो यहाँ बचा cos x + cos 3x तो देखिए दोनों कोष्टक में सेम है, ऊपर नीचे कट गया, ये 2 2 कट गया तो देखिए साइन बटे कॉस क्या होता है तो ये होता है tan 6x तो ये हमारा दायां पक्ष प्राप्त हो गया ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 6 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए ये है प्रश्न नंबर 7 जिसका हम बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बाएं पक्ष में है sin 3x + sin 2x - sin x तो देखिए इसको हम क्या कर लें कि देखिए इनको और इनको भी ले के साथ में हल कर सकते हैं, 3 और 1 4 और 2 कटेगा तो भी इन दोनों को भी ले कर हल कर सकते हैं, चाहे तो हम इन दोनों को भी ले कर हल कर सकते हैं। तो पहले इन्हीं को कर लेते हैं। देखिए sin 3x हम चाहे किसी भी तरह करें है ना, फॉर्मूला अगर सही लगाएंगे तो सही आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम इनको ही लगा लेते हैं तो ये होता है sin x - sin y तो इसका सूत्र होता है 2 cos x + y/2 sin x - y/2 होता है। तो यहाँ लगा लेंगे हम, देखिए 2 cos
यक्स प्लस वाई बटे दो और साइन टू यक्स माइनस यक्स बटे ये दो, तो ये हो जाएगा साइन थ्री एक्स प्लस दो और एक तीन, तो कुछ कटा नहीं है तो लिखेगा कॉस थ्री एक्स बटे दो और ये हो जाएगा साइन दो में से एक गया तो ये यक्स बटे ये दो हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको हम कर सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन टू यक्स बराबर टू साइन यक्स कॉस एक्स, तो ये देखिए साइन टू यक्स का टू साइन यक्स कॉस एक्स मतलब यहाँ पे जो भी होता है उसका आधा होता है यहाँ पर, तो अगर ये थ्री एक्स है तो हम लिख सकते हैं टू साइन थ्री एक्स बटे दो और कॉस थ्री एक्स बटे दो प्लस टू कॉस थ्री एक्स बटे दो साइन यक्स बटे दो, तो देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है कॉस थ्री एक्स बटे दो है ना, तो लिख लेंगे टू कॉस थ्री एक्स बटे दो कॉमन निकल गया, तो देखिए क्या बचा यहाँ पर कॉस सॉरी साइन थ्री एक्स बटे दो प्लस ये निकल गया ये बचा साइन यक्स बटे दो, ठीक ना। तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो देखिए ये सूत्र लगा रहे हैं इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और इसमें सूत्र क्या लगता है साइन यक्स प्लस साइन वाई बराबर टू साइन एक्स प्लस वाई बटे दो कॉस यक्स माइनस वाई बाई दो, यहाँ लगा लेते हैं टू कॉस थ्री एक्स बटे दो, अब देखिए यहाँ हो जाएगा टू साइन है ना गुणा के ये हो गया टू साइन ये हो जाएगा देखिए थ्री एक्स बटे दो प्लस यक्स बटे दो और मेन बटा ये दो हो जाएगा, ठीक ना। और कॉस यक्स माइनस वाई तो कॉस थ्री एक्स बटे दो यक्स बटे दो मेन बटा ये दो हो गया, ठीक ना। तो इसको देखिए दो दूनी चार हो गया कॉस थ्री एक्स बटे दो, इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए आ जाएगा, देखिए इसको हल करेंगे तो तीन और एक चार चार बटे दो, दो कटेगा तो देखिए ये आ जाएगा तीन और एक चार चार का आधा हुआ तो ये टू एक्स बटे टू हो जाएगा और कॉस तीन में से एक गया तो एक्स तो ये हो जाएगा यक्स बटे दो, ठीक ना। और ये दो एक ये भी है तो इसके संग ये चार हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दो दो कट भी गया तो देखिए क्या आया फोर, और फिर पहले क्या है साइन एक्स, तो इस साइन एक्स को लिख लेते हैं साइन एक्स, फिर है कॉस एक्स बटे दो, तो यहाँ पर देखिए क्या है तीन में से अच्छा ठीक है ये ना दो ही आएगा, देखिए इसको अगर आप हल करेंगे तो तीन में से एक गया दो दो यक्स बटे दो आएगा, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा ये यक्स बटे केवल दो बचेगा, ठीक ना। तो ये हो गया कॉस यक्स बटे दो, फिर अंत में कॉस थ्री एक्स बटे दो बचा है तो लिखेंगे कॉस थ्री एक्स बटे दो, तो ये अपना दायां पक्ष आ गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर सात हमने हल कर लिया।